तो आज मेरे बेटे सिद्धार्थ का बर्थडे है और यहाँ पर हमने ये सब डेकोरेशन किया है। दोस्तों अभी हम लोग रेडसन ब्लू होटल में अपने बेटे का बर्थडे मनाने के लिए आए हैं और अभी हम लोग चेक इन कर रहे हैं। ये यहाँ का लॉबी एरिया है। रूम के अंदर एंटर कर रहा है। ये देखिए यहाँ पर इन लोगों ने ये एक पानी गर्म करने के लिए यहाँ पर रखा है और ये कॉफी वगैरह के लिए ऑलमोस्ट है, बिस्किट भी है। और क्योंकि आज ही हमारे बेटे का बर्थडे है इसलिए यहाँ पर इन्होंने कुछ खास तरह से डेकोरेट किया रूम को, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक टॉवल का इस तरह से गुलाब का फूल है जैसे बना के रखा, जो अच्छा लग रहा है। इसके अलावा गुलदस्ता इन लोगों ने रखा है जो कि काफ़ी अच्छा है। और ये ओरिजिनल गुलाब है, मुझे लगा कि ये प्लास्टिक का होगा लेकिन नहीं, ये ओरिजिनल गुलाब है। और ये मैंने छोटा सा एक केक दिया है, इस केक को पास में ला के इसको देखा। और ये पीछे यहाँ पर इन्होंने इस तरह से हैप्पी बर्थडे का एक टैग लगाया है। और ये रूम मेन रूम के बाहर एक लिविंग रूम है जिसमें हम लोग ये बर्थडे का डेकोरेशन वगैरह हुआ है। उसके बाद हम लोग मेन रूम में एंटर कर रहे हैं। ये लोगों ने बेड को भी इस तरह से डेकोरेट किया है बर्थडे के लिए। पूरे रूम में बैलून्स, ये बैलून्स है, ये अच्छा लग रहा है। और ये इन्होंने डेकोरेट किया है बर्थडे के खास ओकेजन पे, हैप्पी बर्थडे। और ये काफ़ी सुंदर लग रहा है दोस्तों। और ये रूम का यहाँ पर से ये बाहर का व्यू है। काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर। बगल में एक स्टेडियम है जहाँ पर ये लोग कोई खेल की प्रतियोगिता हो रही है। सारे सामान है। ये बाथरूम, इसमें काफी अच्छा मैंने बाथटब दे दिया है, ये काफी अच्छा लग रहा है और काफी अच्छा है। थोड़ी देर में अपने बेटे का बर्थडे मनाऊंगा, उस सब आपको इसमें दिखाऊंगा कैसे हम लोग यहाँ पर रूम के अलावा मैं आपको यहाँ पर जो रूफ टॉप पे एक स्विमिंग पूल है और नीचे रेस्टोरेंट है और लॉबी, ये सब भी दिखाऊंगा अभी। और रेडसन ब्लू के रूफ टॉप पे आ गए। और ये देखिए ये ताल इस साइड में पूरा रामगढ़ तल, जो गोरखपुर सबसे फेमस जगह है जिसको हम लोग रामगढ़ तल बोलते हैं, वो यहाँ पर दिख रहा है। काफ़ी खूबसूरत यहाँ पर नज़ारा है। पुल के बाद मैं आपको अभी
शहर का व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, गोरखपुर में कितना ग्रीनरी है, काफ़ी हरा भरा शहर है हमारा ये। और अभी बगल में एक स्टेडियम भी है और इस साइड में रामगढ़ स्थल है। ये पूरा सिटी व्यू ऊपर से दिखता है। तो ये यहाँ का जिम है, इसमें लगभग सारे इक्विपमेंट हैं। छोटा सा जिम है लेकिन यहाँ पर लगभग सारी चीज़ें मौजूद हैं। यहाँ पर जिम के साथ साथ आप एक काफ़ी अच्छा व्यू देखने को मिलेगा। देखिए पूरा शहर यहाँ से बहुत ही साफ सुथरा दिखता है। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, dear. Happy birthday to you. सारे 8 बज रहे हैं और रात को काफ़ी देर बच्चे का बर्थडे पार्टी मना रहे थे, तो मेरा बच्चा तो अभी सोया हुआ ही है। सिद्धार्थ काफ़ी सोया हुआ है और इस वक्त याद हो रखी है कमरे की। ये लॉबी से लिविंग रूम में सारे सामान बिखरे हुए हैं। अभी थोड़ी देर बाद हम लोग फ्रेश होने के बाद रेस्टोरेंट में जाएंगे ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट का टाइमिंग सुबह के 6:30 से 10:30 है यहाँ का। अभी हम लोग इस होटल के रेस्टोरेंट एरिया में आए हैं और यहाँ पर द ग्रेट कबाब फैक्ट्री, हम लोग रेस्टोरेंट के अंदर जा रहे हैं। रेस्टोरेंट के पास भी रोकते भी यहाँ पर शाम के लोग
रामगढ़ तल का व्यू भी दिखता है। ये है गोरखपुर का मशहूर महादेवपुर चौक। चेकआउट कर रहे हैं और अभी 12 बज रहा है और हम सब लोग यहाँ से चेकआउट करने वाले हैं। और ये सिद्धार्थ है, कल इसी का बर्थडे मनाने के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे। बेटा हाय बोल दो। हाय बोलो बेटा। हाय हाय बोलो।